हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आजकल चल रहा है गणेश चतुर्थी का उत्सव, तो महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन अब बाकी के लाइक एरियाज में नॉर्थ इंडिया में भी सेलिब्रेट किया जाने लगा है। तो आज हम जाने वाले हैं दिल्ली, महाराष्ट्र सदन। तो वहाँ पर ना जो गणपति जो आते हैं वो महाराष्ट्र से आते हैं, तो आज हम वहीं जाने वाले हैं। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। बस ना मुझे डर लग रहा है कि बारिश वगैरह ना हो जाए, क्योंकि वेदर ना थोड़ा ऐसा सही हो रहा है बारिश वाला। और यहाँ पे ये कबूतर दाना खाते हुए, तो चलो चलते हैं, लेट हो रहा है। तो ये है सोनू, ये है विजय, दोनों की तरफ से आप सभी को हेलो। तो हुआ क्या, वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त ना मैं माइक ऑन करना भूल ही गई, तो वॉइस तो रिकॉर्ड नहीं, इसलिए वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो रास्ते में हम गपशप मारते हुए चल रहे थे, इन लोगों का ना यहीं पे चाइल्डहुड स्पेंड हुआ है, तो वही बातें मुझे बता रहा था विजय और सोनू। फाइनली हम पहुंच गए हैं महाराष्ट्र सदन। यहाँ तो कोई भी नहीं है, खाली लग रहा है, इस टाइम पे कोई नहीं आता यहाँ। अच्छा, अबे पहले से बोल। तो जल्दी पहुंच के ये फायदा हुआ कि हमें बप्पा के दर्शन बहुत ही आराम से हो गए थे, क्योंकि पंडाल में उस टाइम पे कोई पहुंचा ही नहीं था। यहाँ पे डेकोरेशन बहुत ज्यादा सुंदर कर रखी थी, पूरा फंक्शन का कार्यक्रम की कब किस टाइम पर क्या होने वाला है, तो सारा सब कुछ मेंशन था। और यहाँ पर पंडित जी तैयारी कर रहे थे पूजा की। तो दर्शन करने के बाद हम सभी को ना काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी, किसी ने ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ था। हम पहुँच गए कैंटीन, कैंटीन में हमने ऑर्डर किया मिसल पाव, वड़ा पाव और ये साबूदाना वड़ा परांठे, तो ये मस्त हमने खाए। उसके बाद हम निकल गए, उसके बाद हम लोकली ऐसे आसपास घूम रहे थे, और घूमते घूमते हमें ये दिखा बहुत ही प्यारा सा पीकॉक, और हमें देखते पता नहीं है क्यों भागने लगा। तो विजय ने आज मुझे सारी डिटेल बता दी यहाँ की, मतलब पूरी मेमोरीज बताई अपने चाइल्डहुड की। तो अभी हम जा रहे हैं न्यू महाराष्ट्र सदन, तो देखते हैं यहाँ पे अलाउ भी करेंगे। मामा ने बोला है लेवल अलाउ। ओके, देखते हैं कि बेसलेट हो जाए, फिर पॉपुलर हो जाए वहाँ पे पहुँच के। तो ये है न्यू महाराष्ट्र सदन, राइट? वो तो मैं कह रही हूँ, अगर पीछे का। ओके, यहाँ पे सोनू वीडियो बना रही है अपनी लहराते हुए। अच्छा, ये वाला एरिया खंडर था पहले, यहाँ पे रहते थे ना। इसी सामने वाला क्या रोके, उधर वाला? हाँ, ये भी है। अच्छा, जो ना, हाँ। अच्छा, आवाज़ आती थी यहाँ। अच्छा, वही हम मुझे हॉन्टेड प्लेस में लेके जा रहा है कुछ होगा बाद में बन जाएगा। हम तो जागरण लगा लेंगे। क्या लगा लोगे? जागरण। तो जागरण लगाने का हमारे पास सलूशन, हम जागरण लगा सकते हैं इन केस अगर कोई यहाँ पे भूत वगैरह हमें मिलता है तो। एक अम्बेडकर की है। कहाँ है मूर्तियाँ, कहाँ है आप? अच्छा, ये किसकी? अच्छा, लिखा होगा ना। तो यहाँ पे प्रतिमा बनाई हुई है महात्मा ज्योतिबा फुले की। मुझे और भी किसी के यहाँ पे मुझे सारे लोग सेम लग रहे हैं, शिवाजी महाराज की होगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये महाराष्ट्र सदन है न्यू वाला, तो यहाँ पे शिवाजी महाराज जी की तो जरूर होगी। तेरे शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा रॉयल, कितना सुंदर लग रहा है। रुक 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 रुक, रहने दो, कितनी सुंदर लग रही है। ये मायू डॉम है, यहाँ न्यू महाराष्ट्र सदन में ना फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी, तो जितना पार्ट हमारे लिए अलाउ था हमने वो सब देखा। उसके बाद हम निकल गए ओल्ड महाराष्ट्र सदन के लिए, और जाते जाते हमें फिर से देखा ये क्यूट सा पीकॉक। पूजा स्टार्ट हो चुकी थी, उसके बाद हुआ भंडारा। भंडारा खाने के बाद हमने सोचा कहाँ जाए, हमारे पास भी काफ़ी टाइम था, तो हमारा ऑल ऑफ सडन प्लान बन गया हुमायूं टॉम जाने का। तो हम सब यहाँ पर हमने ऑनलाइन टिकट ले ली थी, उसके बाद हमने सामने क्या है वैसे वहाँ पे कुछ है सुनो लग रहा है। ओके, लिखा होगा ना, होगा टॉम। तो हम फाइनली पहुँच गए हैं हुमायूं टॉम। एक सामने वो भी मुझे थोड़ा हॉन्टेड सा लग रहा है, प्लीज
पता नहीं, हम यहाँ पे ये चीज़ है ना अच्छी लगती है मुझे भी एग्जैक्टली। चलो देखते इधर आओ, बताओ कुछ उनकी कलाओं को देख के ना मतलब बड़ा प्यारा सा लगता है, चाहे वो मतलब किसी भी उसकी हो, एम्पायर की हो। एग्जैक्टली, मुझे भी मतलब हिस्टोरिकल जो चीजें होती है ना बहुत अच्छी लगती है। अरे इतनी दूर से देखो उनकी फोटो क्लिक हो रही है, कहाँ से कहाँ पे। सही है यार, तो अब हम प्रवेश कर रहे हैं किले में। यहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है हुमायूं टॉम के बारे में। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं हुमायूं टॉम। आज ना गर्मी बहुत ज्यादा, बहुत गर्मी लग रही है और वेदर ना हुमायूं टॉम में, आज मैं सेकंड टाइम आई हूँ और आज भी वेदर ऐसी है। जब फर्स्ट टाइम आई तो उस टाइम पे भी बहुत गर्मी थी और आज भी ऐसा ही है बिकॉज ऑफ हर। नहीं यार, मैं भी जब फर्स्ट टाइम आई थी ना उसे इतनी गंदी धूप, इससे भी ज्यादा गंदी धूप। नहीं स्पेशली फॉर दिस प्लेस, मतलब हुमायूं टॉम के लिए उस दिन भी बहुत गंदा मौसम था। ब्लॉग बन रहा है, वीडियो बन रही है। आई विश कि वेदर चेंज हो जाए, हाँ कि बहुत धूप लग रही है। अब हम आ गए तो हम एक्सप्लोर करना पड़ेगा। सुंदर लग रहा है ना काफी। ये है सस्ता ताजमहल, देख लो जिन्होंने ताजमहल नहीं देखा, लेकिन बहुत सुंदर है। और यहाँ पे आसपास का स्पेस भी है, आप आराम कर सकते हैं यहाँ पे। हालांकि हम लोग भी काफी थक गए हैं लेकिन स्टिल हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसके नीचे खजाना दोस्तों। हाँ हमें भी मिल गया। तो ये वाली लोकेशन हमें बहुत अच्छी लग रही है, तो हम यहाँ पे ना वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कर रहे हैं। अब वेदर थोड़ा अच्छा हो गया। वाओ कितना सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ से। चलो अब चलते हैं अंदर। अंदर से कुछ इस तरह सा दिख रहा है हुमायूं टॉम। नेचुरल कूलर, कितनी अच्छी हवा रही यहाँ पे, लग नहीं ना कितना कूल फील हो रहा है यहाँ पे। असली निशानी तो भाई इन लोगों ने छोड़ी हुई है। बताओ क्या हाल कर रहा है लोगों ने, इन्हीं सब चीजों के लिए आते हैं लोग यहाँ पे, क्या क्या कर रहा है। एक बंदे ने तो फिर देखो इंस्टा आईडी भी लिखी हुई है। हद है यार, यार ये सब करना में ना करना है यहाँ पे प्लीज। ये लग रही है मुझे हुमायूं के कब्र, शायद ये हो सकती है। ये बिल्कुल अकेले और स्पेशल जगह में बनाई गई है, तो ये हो सकती है हुमायूं। हाँ बिल्कुल मिड में ही है। हाँ यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन वैसे होनी चाहिए कि एक्चुअल में किसकी कब्र है, और ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। बाहर चलते हैं, बहुत घूम लिया हमने अंदर। जिस टाइम पे हमने एंट्री करी थी उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, अब बिल्कुल खाली हो गया है। चलो क्या किस चीज़ का दिमाग आ गया, मतलब हम में नहीं आया, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। हम भी वैसे जा ही रहे हैं, हम लेट आए थे, हम आए भी तो अभी हैं थोड़ी देर पहले। अगर आप इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए हो तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। उस दिन क्या हुआ, मेरा फोन ऑल ऑफ सडन हो गया था स्विच ऑफ, जस्ट बिकॉज ऑफ बैटरी डेड हो गई थी। मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय एंड टेक केयर गाइज़।